बारिशों के बाद एबटाबाद शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। हर तरफ कयामत सुगरा के मनाजर हैं। बारिश पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल होने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। चंद घंटों की बारिश ने तहरीक इंसाफ की 12 साल हुकूमत का पोल खोल दिया है। बारिश पानी से अस्पताल में भी नदी के मंजर पेश करने लगे हैं। मरीज बेचारे रुल कर रह गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे एबटाबाद से हमाद साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। एबटाबाद शहर समेत गिलियात के सियाती मकामात पर गुज़िश्ता 3 रोज से मूसलाधार बारिश जारी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से जायद हुकूमत करने वाली जमात का पोल खुल कर सामने आ गया। एबटाबाद शहर में शदीद बारिश के बाइस शहर की सड़कों पर पानी उमड़ आया, जबकि शदीद बारिश के बाइस सियाती मकामात हरनौ नदी में शदीद तुगयानी आ गई। हरनौ नदी के गिरदो नवा पर कायम तजावजात को शदीद खतरा लाहक। सियाहों समेत रिहायशी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। तलबा और तलबात भी शहर में पानी होने से शदीद मुतासर हैं। हरनौ नदी पर सियाहों के दाखिले पर तहाल पाबंदी ना लगाई जा सकी। दूसरी तरफ शाराए रेशम भी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा अयूब टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर बार की तरह इस बार भी एबटाबाद शहर पानी की लपेट में है। लोगों के घरों में पानी दाखिल होना और निकासी आपको कोई निज़ाम ना होना यकीनन मुंतखब करदा नुमाइंदगान की अदम दिलचस्पी और नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। जबकि सितंबर के पहले हफ्ते तक महकमा मौसमियात ने बारिश होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ हमाद साकिब, K2 टेलीविज़न, एबटाबाद।